नमस्कार मित्रों, हूँ मोहन गढ़वी। गुजराती दुनिया यूट्यूब चैनल में फरी एक बार आप सौ मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आजना वीडियो में अमेरिका, ब्रिटेन और अरब देशों बधी जगह थी पैसा लावानो नरेंद्र मोदी सुपर प्लान जाणीशुं। मित्रों, भारतना लोको आखी दुनियाना खूणे खूणा में वसेला छे अने ज्यां पण वसवाट करे छे त्यां पोताना टैलेंट थी काम करी अने नाम कमावे छे। आ भारतीय देश थी दूर छे पण भारतनी आर्थिक ताकतनो जरूरी हिस्सो छे अने आ वात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पण जाणे छे। वर्ष 2022 में विदेशों में वसवाट करता भारतीय भारत में रेकॉर्ड तोड़ पैसा मोकल्या था। मतलब के विदेश में जे भारतीय रहे छे ये पोताना फ्रेंड सर्कल में अथवा पोतानी फेमिली में गमे ने पैसा मोकलता हो एवी रीते। मित्रों, तमने विश्वास नहीं थाय पण जे भारतीय विदेश में मतलब के जे भारतीय विदेश में रहे छे एमणे 8 लाख करोड़ रुपया मोकल्या छे। 8 लाख करोड़ रुपया भाई 2022 में अने 2021 ना मुकाबला में आमा 12% नो जम्प बार थी आवेला पैसा में। अने जे विदेशों में थी पैसा आवी रहा छे जे भारतीय मोकली रहा छे एमा भारतनी रैंकिंग शू छे? मित्रों, नंबर 1 रैंकिंग छे भारतनी। मित्रों, आ रेमिटेंस भारत में थवावाड़ा कुल विदेशी निवेश थी पण वधारे छे। आटला बधा भारतीय विदेशों में काम करे छे अने भारत में पैसा मोकले छे। अने मित्रों, हवे आनाथी पण वधी रह्यो छे अने तमे जोजो के आवावाड़ा समय में हजी पण केटलो वधशे। विदेशों में वसवाट करता भारतीय भारत में पैसा तो मोकली रहा है अने हवे ते इच्छा राखे छे के ते पण इंटरनेशनल मोबाइल नंबर थी यूपीआई पेमेंट करी सके। जेवी रीते हूँ ने तमे नथी करता, मोबाइल खोलियो अने सामेवाड़ा ने कहीए छीए के भाई अमे यूपीआई थी पैसा आपीशुं। आजे आपणे शाकभाजीवाड़ा ने पण यूपीआई थी पैसा आपी सकीए छीए, रिक्षावाड़ा ने पण आपी रह्या छीए अने गमे ते वस्तु लेवी होय। आजकाल तो लोको पैसा लईने बहार निकळवानो ज बंद करी चूक्या छे, मोबाइल लईने जाय छे, यूपीआई पेमेंट करी नाखे छे। तो जे विदेश में भारतीय रहे छे ई पण इच्छे छे के एमने पण यूपीआई थी पेमेंट करवानो ऑप्शन मळी जाय जेथी एमने पण भारत में पैसा मोकलवा माटे आसानी थई जाय। ज्यारे पण ई भारत में आवे तो एमने कैश लईने फरवानी जरूर न पड़े, एमने डॉलर ने रुपया में बदलवू न पड़े, पाउंड ने बदलवू न पड़े। अने मित्रों, हवे एमनी आ मांग पूरी थई रही छे। मतलब के एनआरआई पण विदेशी नंबर थी यूपीआई नो वपराश करी सकशे जेवी रीते हूँ ने तमे करीए छीए। मतलब के एवा एनआरआई जेनो भारतनी बैंक में एकाउंट छे अने ई पोताना इंटरनेशनल नंबर थी पण यूपीआई में पेमेंट करी सके। पहला आवुं नहोतुं मित्रों, एनआरआई ने यूपीआई थी पेमेंट करवा माटे एनो भारतीय बैंक में जे एकाउंट छे एने यूपीआई थी बस लिंक करवानुं छे। हमणा आ सुविधा 10 देशों मोबाइल नंबर ने आपवामां आवशे जेमां अमेरिका छे, ब्रिटेन छे, साउदी अरब छे, एना पछी यूएई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, होंगकोंग, ओमान अने कतार छे। आ देशों में रहेवावाड़ा भारतीय हवे यूपीआई नो वपराश करी सकशे। मित्रों, 4.5 करोड़ थी पण वधारे भारतीय दुनियाना अलग अलग देशों में वसेला छे। हमणा सुधी यूपीआई आईडी माटे तमारी पासे भारतीय मोबाइल नंबर होवुं जरूरी हतुं। इंटरनेशनल मोबाइल नंबर उपर यूपीआई नहोती चालती, खाली भारतीय मोबाइल नंबर थी तमे तमारा एकाउंटने लिंक करी सकता हता। એવામાં એનઆરઆઈ ને પણ યુપીઆઈ પેમેન્ટનો વપરાશ કરવા માટે ભારતીય નંબર લેવા પડતા હતા, પણ આનાથી ઇન્ટરનેશનલ રોમિંગ પ્રાઇસ વધી જતા હતા, એ ખર્ચો લાગતો હતો। પણ હવે આ મગજમારી ખતમ થઈ જશે। આના માટે વિદેશમાં વસેલા ભારતીયોને પોતાનો એનઆરઈ મતલબ કે નોન રેસિડેન્ટ એક્સટર્નલ રૂપી અથવા આના સિવાય એનઆરઓ નોન રેઝિડેન્ટ ઓર્ડિનરી એકાઉન્ટ પોતાના મોબાઈલ નંબર સાથે બસ લિંક કરવાનો રહેશે। विदेशों में वसेला भारतीयों माटे भारतनी बैंकों में 2 प्रकारना एकाउंट होय छे। मित्रों, आ पण थोड़ोक जाणी लो कि आ 2 प्रकारना एकाउंट शू होय छे। तो एक होय छे एमआरई मतलब के नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल एकाउंट, एक तो आ होय छे, अने बीजो होय छे एनआरओ मतलब के नॉन रेसिडेंट ओर्डिनरी एकाउंट। आ 2 प्रकारना एकाउंट एमनी पासे होय छे। हवे आ जे एनआरई एकाउंट छे આનાથી લોકો શું કરે છે કે પોતાની જે વિદેશી કમાઈ છે, જે વિદેશમાં કમાઈ રહ્યા છે એને ભારત મોકલે છે। આના પછી એનઆરઓ જે એકાઉન્ટ હોય છે એ ભારતમાં થવાવાળી કમાઈને મેનેજ કરવાવાળો એકાઉન્ટ હોય છે, એનઆરઓ એકાઉન્ટ। મતલબ કે માની લ્યો કે કોઈએ ભારતમાં કોઈ ઘર લઈને રાખ્યો છે, એનો ભાડો આવે છે, તો એને એનઆરઓ એકાઉન્ટથી મેનેજ કરી શકાય છે। અને એનઆરઈ એકાઉન્ટ મતલબ કે જે વ્યાજ હોય છે, જેના ઉપર વ્યાજ મળે છે, મતલબ કે એનઆરઈ એકાઉન્ટમાં જે પૈસા રાખવામાં આવે છે એના ઉપર વ્યાજ મળે છે, અને આ ટેક્સ ફ્રી પૈસા હોય છે, વ્યાજના પૈસા। પણ એનઆરઓ એકાઉન્ટમાં જે પૈસા હોય છે આના ઉપર વ્યાજ આપવું પડે છે, મતલબ કે આના વ્યાજ ઉપર ટેક્સ ભરવું પડે છે।
एनआरई एकाउंट आमा विदेशी करंसी ने जमा करीने भारतीय करंसी काढ़ी सकाय छे। जे एनआरओ एकाउंट छे एमा भारतीय अने विदेशी बन्ने करंसी जमा करी सकाय छे, पण आमाथी काढ़ी सकाय छे खाली भारतीय करंसी। तो आ बे एकाउंट थी आखो काम चाले छे। हवे वगर यूपीआई पेमेंटनी सुविधा थी विदेश में रहता लोको केवी रीते भारत में पैसा मोकले छे, एनी केटली फी लागे छे, एक वार में केटला पैसा मोकली सके छे, ई पण तमने जणावुं छुं। तो हमणा शुं छे मित्रों, एमनी पासे पहेलो जे तरीको छे ई छे बैंकना माध्यमथी मनी ट्रांसफर करवानो। पोताना बैंक एकाउंटमांथी जेने पण भारतमां पैसा आपवा छे एना बैंक एकाउंटमां पैसा मोकली सके छे। मित्रों आने वायर ट्रांसफर कहेवामां आवे छे। आवी रीते पैसा मोकलवामां 48 कलाक सुधीनो समय लागे छे। आ माध्यमथी तमने विदेशी मुद्राना बदले भारतीय करंसी मळे छे, जेना माटे बैंकनो सर्विस चार्ज तमने आपवो पड़े छे अने साथे करंसी एक्सचेंज रेटनो पण खर्चो अलगथी आवे छे। आना सिवाय जो विदेश में रहता कोई व्यक्तिनो भारतनी बैंकमां खातो छे तो ई चेक अथवा डिमांड ड्राफ्टना माध्यमथी पण पैसा मोकली सके छे। आना सिवाय बीजो माध्यम छे थर्ड पार्टी मनी ट्रांसफरनो। आमा विदेश में रहेतो व्यक्ति त्यां रहेली मनी ट्रांसफर कंपनी ने विदेशी मुद्रा आपी दे छे। कंपनी विदेशी मुद्रा ने भारतीय करंसी में बदले छे, जेना माटे ई फीस ले छे। पछी भारत में तमने जेने पण पैसा मोकलवाना छे अने मनी ट्रांसफर कंपनी भारत में जे ब्रांच छे त्यां पैसा आपी दे छे, पछी त्यां जईने ई पैसा लई शके छे। त्रीजो माध्यम छे ऑनलाइन पेमेंट। मित्रों विदेश में रहता लोको भारत में ऑनलाइन पैसा मोकली सके छे, पण आ घणो मोंघो पड़े छे। आ घणो मोंघो पड़े छे कारण के आमा करंसी एक्सचेंज रेट अने सर्विस फी घणी वधारे छे। आनी साथे आमा पैसा मोकलवा वाला अने पैसा लेवा वाला बन्ने ने चार्ज आपवुं पड़े छे। अने मित्रों आना माटे ई पण जरूरी छे के पैसा मोकलवा वाला अने पैसा लेवा वाला पासे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टमनी सर्विस आपवा वाली कंपनी में एकाउंट पण होवो जोईए, त्यारे ज तो मोकली शकाशे ने। तो मित्रों कुल मळावीने विदेशों में रहता भारतीय पासे भारत में पैसा मोकलवाना घणा माध्यम छे, पण आ बधा माध्यमों में खर्चो वधारे छे। एक्सचेंज रेट अने सर्विस फी वधारे चुकावी पड़े छे। मतलब के जो तमे अमेरिका माथी भारत में पैसा मोकलो छो तो तमने 10 થી 30% सुधीनो खर्चो उपाड़वो पड़ी सके छे। मित्रों 10 થી 30% सुधी मतलब के जो तमे 100 રૂપિયા मोकलो छो तो 10 થી 30 રૂપિયા एक्स्ट्रा आपवा पड़शे। हवे यूपीआई थी पेमेंट करवामां शुं थशे के एक तो आ जे खर्चो छे ई ओछो थई जशे अने एटला माटे मोटो फायदो थशे, विदेश में रहेवावाळा लोकोने मोटो फायदो थशे। पहेलो फायदो तो ई छे के ज्यारे विदेशों में रहता भारतीय ज्यारे भारत में आवशे तो ई यूपीआई ना माध्यम थी पेमेंट करी शकशे, मोंघा इंटरनेशनल कार्ड लईने फरवानी जरूर नहीं पड़े। बीजो फायदो ई छे के यूपीआई ना माध्यम थी गमे त्यारे गमे तेने पेमेंट करी शको छो 24 કલાક 365 દિવસ। અને મિત્રો આ રિયલ ટાઈમ પેમેન્ટ થાય છે, 24 કલાક કે 48 કલાક વાટ જોવાની કોઈ સમસ્યા જ નહીં રહે, આ સમસ્યા એકદમ ખતમ થઈ જશે। આના સિવાય જે પૈસા મોકલે છે એને પૈસા મોકલવાવાળાનો એકાઉન્ટ દર્જ કરવો પડે છે, એના પછી IFC કોડ નાખો, ટ્રાન્ઝેક્શન ફેલ થઈ જાય છે, જ્યારે UPIમાં આવી રીતની કોઈ સમસ્યા નથી આવતી। તો મિત્રો આવી રીતે દેશમાં ડિજિટલ પેમેન્ટ વધી રહ્યું છે અને આને લઈને જે ચીજો છે એ વધી રહી છે। હવે મિત્રો આ પણ એક છે કે જો સુવિધા થઈ જશે તો પૈસા પણ વધારે આવશે, જ્યારે અહીંયા પૈસા વધારે આવશે જેની પાસે પૈસા આવી રહ્યા છે તો એ પૈસા ઇકોનોમીમાં ફરશે તો ઇકોનોમીમાં પણ ફાયદો થશે। મિત્રો તમારા માટે એક સારા વિષય ઉપર વિડીયો બનાવવામાં અમને ઘણો જ સમય લાગી જાય છે, માટે આ વિડીયોના બદલે અમે તમારા પાસેથી એક લાઈક અને એક શેરની આશા જરૂર રાખીએ છીએ, કારણ કે તમારી એક લાઈક અને એક શેર અમને આવા જ જાણકારીસભર વિડીયો બનાવવાની પ્રેરણા આપે છે। માટે જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરીને તમારા મિત્રો અને પરિજનો સાથે શેર કરવા ખાસ વિનંતી। અને જો તમે અમારા ગુજરાતી દુનિયા નામના YouTube ચેનલ ઉપર પહેલીવાર આવ્યા છો તો હમણાં જ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। સબસ્ક્રાઇબ કર્યા બાદ બાજુમાં જે બેલ આઇકન જે ઘંટડીનો નિશાન આવે એને દબાવી નાખજો, જેનાથી અમારા દરેક વિડીયોની જાણકારી તમને નોટિફિકેશનના માધ્યમથી મળતી રહે। આખો વિડીયો જોવા બદલ આભાર। હવે આપણે મળીશું એક આવા જ નવા જાણકારીસભર વિડીયોમાં। ધન્યવાદ।